नमस्कार 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 दोस्तों, नम कर्नाटका के एक और नए एपिसोड में आपका स्वागत है। मैसूरू में है और दोस्तों, जैसा कि हमने पहले भी बात की थी कि मैसूरू वन ऑफ द क्लीनेस्ट सिटीज इन इंडिया, जिसका मैंने ऑफ कोर्स गवाही मैंने भी दे दी है। इट इज एक्चुअली वन ऑफ द क्लीनेस्ट सिटीज इन इंडिया, वेरी ऑर्गेनाइज्ड। और यही कारण है कि काफी लोग जो कि कर्नाटका में रहते हैं या बाहर रहते हैं, इसे सेकेंड होम डेस्टिनेशन और काफी रिटायर्ड जो भी लोग होते हैं इसे अपनी पसंदीदा जगह मानते हैं सेटल होने के लिए। अच्छा, खाने की बात की जाए तो सबको पता है कि मैसूरू अपने ऑथेंटिक खाने के लिए फेमस है, लेकिन ऑफ लेटली यहाँ पे जो कॉफी कल्चर है, कॉफी और बेकरी कल्चर, वो भी काफी प्रसिद्ध और लोकप्रिय हुआ है लोगों में। इसी चीज को आज हम देखने जा रहे हैं कि क्या है मैसूरू का कॉफी एंड बेकरी कल्चर। आ जाओ। वेल दोस्तों, हम अपनी मंजिल पे पहुंच चुके हैं। एरिया का नाम है वीवी मोहल्ला, और मोहल्ला से तो आपके माइंड में लग रहा होगा कि कोई जैसे सोसाइटी मोहल्ला, बिल्कुल वैसा ही माहौल है यहाँ पे। और मेरे बाई और है ये सापा साडो एंड पेस्ट्री। एंटर करते ही जब हमें कोई आउटलेट जैसे होते हैं कॉफी शॉप्स, वैसा कोई स्ट्रक्चर नहीं, एक बंगलो जैसा फील आएगी, एक बंगलो के अंदर हम घुस रहे हैं। बड़े होमली टाइप एक इन्होंने ऐसा स्ट्रक्चर बनाया हुआ, देखते हैं क्या है अंदर। आइए। तो दोस्तों, अंदर एंटर करते ही ये हरे भरे पेड़ ये आपका स्वागत करते हैं, और ये एक वाटर बॉडी है यहाँ पे, वाटर लिलीज, ये आपका स्वागत करते हैं इस शानदार ब्यूटीफुल जगह में। वेल दोस्तों, अंदर तो आ चुके हैं, अब इस जगह पे हमारा इंतजार कर रही हैं यहाँ की ओनर होस्ट रिया जी। थैंक यू सो मच फॉर हैविंग अस। तो दोस्तों, ये है रिया जो कि इस खूबसूरत और प्यारी सी जगह को चलाती है। क्या है मसला, क्या है इतना जो हल्ला होता है, इतनी आवाज होती है इस जगह के बारे में अंदर जाके पता करते हैं। Shall we? Yes. Yes. So this is our cold counter. Okay. So you see all our pastry. So let's move from cold section to this section. Now, what is this? So from the cold, we have our bakery section. So दोस्तों, यहाँ आप देख सकते हैं कि अभी 12 बजे हैं और अभी से ये जगह खचाखच पैक होने लग गई है, और हमें बताया गया कि 1 बजे यहाँ पैर रखने की जगह नहीं होगी, इसलिए उससे पहले जो शूट कर सकते हैं, जो आपको दिखा सकते हैं दिखा देते हैं। आ जाओ। तो दोस्तों, कहते हैं ना कि ट्रांसपेरेंसी इज द की। इन्होंने यहाँ पे एक ट्रांसपेरेंट विंडो दी है ताकि आप देख सकते हैं कितनी स्वच्छता से, कितनी सफाई से काम होता है, और जिन लोगों को क्यूरियोसिटी होती है जानने की भाई ये प्रोडक्ट बनते कैसे हैं, कहीं कोई पैक्ड आइटम तो लाके रख तो नहीं दिए सामने, आप सामने देख सकते हैं, सब आपके सामने हो रहा है। This is a seasonal item. So with every season, with every new fruit, it changes. So एक बड़ी इंटरेस्टिंग बात जो इन्होंने बताई कि जो भी ये इंग्रेडिएंट्स यूज करते हैं ये कहीं बाहर से नहीं लेके आते, ये मेक श्योर करते हैं कि जो इंडिया में और स्पेशली कर्नाटका में जो चीजें अवेलेबल हैं, इंग्रेडिएंट्स अवेलेबल हैं, उन्हें ही यूज करें। एब्सोल्युटली यस। सो विथ ऑल दीज आइटम्स दे ऑल चेंज एवरी वीक एंड देन देयर आर स्पेशल्स ओवर द वीकेंड। So the weekend is the best time to come. So दोस्तों, सापा में जब भी आएं तो तैयार रहिएगा कि आपको एक वैरायटी मिलेगी जो जिसमें आपको 200 आइटम का वो आपको मेन्यू मिलेगा, जहां पे आपके पास फ्रीडम होगी अपनी पसंदीदा चीज चूज करने। So दोस्तों,
हम बड़े लकी हैं और पूरा कहते ना शुक्रिया धन्यवाद करेंगे इनका जिन्होंने हमें अंदर आने दिया इस साफ सुथरी जगह में जहाँ पे ये सारा एक्शन होता है। तो आप भी घर बैठे इंजॉय करिए और आई एम श्योर आपकी भी जीभ लपलपा रही होगी। थोड़ा वेट करिए उसके बाद टेबल पे चलेंगे। जी प्लीज कैरी ऑन। सो दोस्तों ये जो रूम है कोल्ड सेक्शन के बाजू में ये इनका अवन रूम है जहां पे सारी बेकिंग की जाती है। All the savory magic happens. Oh, so all the cafe menu items that you see is all comes from here. So basically, this section majorly focuses on sandwiches and correct. All the savory hot stuff. Okay. ये इनकी French fries है। फ्रेंच फ्राइज तो बोलते ना कि बच्चे बूढ़े जो मर्जी हो कैन नेवर गो रॉन्ग विद फ्रेंच। या या पीपल कम हियर जस्ट टू ईट द फ्राइज इज इट सो इट्स लाइक क्रेजी। या ओके परफेक्ट। सो दोस्तों आई थिंक काफी सारी इंफॉर्मेशन है जो हमें इनसे मिली है बट अब कहते हैं ना कि भूख लग रही है अब चले अंदर। Perfect. चलो okay. Well, दोस्तों रिया हमारे सामने ये कहते हैं ना साजो सामान ये खाना पेस्ट्रीज लेके आ चुकी हैं। अब हम इसका लुत्फ लेंगे मजा लेंगे। सो अटैक कूल। सो व्हाट एग्जैक्टली हैव वी गॉट इनसाइड द फिलिंग। सो वी हैव एन आलमंड क्रीम इनसाइड। दिस इज आलमंड फ्रांजीपानी इनसाइड। ओके इट्स ट्वाइस बेक्ड सो द क्रोसेंट इज बेक्ड फर्स्ट एंड देन डिप्ड इन शुगर एंड देन बेक्ड अगेन। ये बड़ा सॉफ्ट और क्रंची क्रोसों है अंदर आलमंड की फिलिंग है और शुगर बड़ी बैलेंस है सो बहुत ही बड़ी बहुत बड़ी। नेक्स्ट परफेक्ट। सो नेक्स्ट आई थिंक वी विल ट्राई द शू। ओहो माय गॉड क्या क्या है इसमें। सो इनसाइड वी हैव अ मैंगो जैम एंड वी हैव अ वेनिला व्हिप्ड ग्रेनाश। ओके एंड दिस एंड दैट अगेन इज जैम। So the mangoes we get locally, this is fresh mangoes that we boil down into a jam. Oh my god. So it's crispy on the outside but soft and nice on the inside. Yeah, you guys mad? Kaun banata hai aisa yaar? Shit. Bhai, this is outstanding. Ye zarur try kijiyega bhai. Ye muh mein jaate hi na phatta hai aise. This is so good. Thank you. This is good. Okay. Now let's jump to this one. Yes, you can just cut a piece however you like. Okay. So ये क्या है रिया? So this is a vanilla bean custard. Okay. And then there's some fresh mangoes on top and a croissant dough. It's called a Danish. Okay. So इसमें croissant का ही base है. ऊपर इन्होंने mango डाल दिया and this is. That's just a mint leaf for garnish. Very nice. Okay, we'll try. Good. Very good. बहुत अच्छा है। Next इसमें चलें अभी। And this is our final product. Okay. This again one of our best sellers. Okay. People come all the way to buy the donuts. Oh, and our savory items also. All right. Mirchi bhaji. Yes. Attack करो। Yeah, go for it. Like this? Yes. Oh, दोस्तों ये देखो। ये पूरा eclair? This is the ganache. This is the filling. Okay. This is the brioche dough. Okay. Donut dough. Okay. Yes. Okay, great. अब दोस्तों ये खाते हैं। मजा आ रहा है। मैं कहता हूँ जितने भी मीठा खाने वाले हैं ना जो मीठे के दीवाने हैं घर बैठे बैठे ना जीभ तो लप लपा रही होगी सबके ऐसे और जल रहे होंगे आज मुझसे सारे। बट भाई जोक सपाट जब भी आते हो ना ये सारी चीजें अगर आप टीम अप कर लो एक कॉफी के साथ बल्ले बल्ले। This is from our savory menu. What we have in front is a budgi chili. So, isko bhi try karte hain. And yeah, this is a sweet chili sauce. Ye sweet chili sauce hai jo iske saath jata hai, right? Correct. So, you just dip it in and go for it. Okay. Budgi to bahut khaiye. Budgi chili. Ye first time uska alag hi version kha rahe hain.
बहुत अलग है, बहुत हटके है। चिली बिल्कुल भी तीखी नहीं है और जो गोड़ चीज़ है वो गोड़ चीज़ मुँह में मेल्ट हो रहा है और ये ब्रेड क्रम जो है ना ये एक क्रंची सा फ्लेवर दे रहा है इस चीज़ को और बहुत ही बढ़िया। एक बार इसको मैं बिना सॉस के ट्राई करता हूँ इसका एक्चुअल फ्लेवर लेने के लिए। आउटस्टैंडिंग, मस्ट ट्राई, वेरी नाइस। This is our Sapa Chicken Club with hand-cut fries. Okay, so these are the fries जिसके बारे में रिया कह रही थी, क्योंकि मैं कह रहा था कि fries होती हैं हर जगह, जाओ सेम होती हैं, कैसी भी होती हैं, थोड़ा बहुत इधर उधर twist and turn, but ये कहती है कि यहाँ लोग कुछ ऐसे fries के दीवाने हैं जो सिर्फ ये fries खाने आते हैं। Yeah, people come here just to eat the fries. Is it? So it's like crazy. Yeah. Okay, perfect. तो try करें, let's go for it. ये मेरा, ये तेरा, okay? Cheers. Cheers, cheers, cheers. हाँ, झगड़ा नहीं करने का। Ready? एक बात बता दूँ, कभी भी ये चिकन क्लब सैंडविच खाना हो ना तो यू विल हैव टू गेट मेसी, सही है? या या। रोनाल्डो नहीं, मेसी। ओके, आई थिंक रिया अब गार्लिक सॉस के साथ ट्राई करते हैं। यस। ओह लाला। मजा नहीं लाइफ, सही है? इट्स गुड। सो रिया मैं जरा इसको फिनिश कर लेता हूँ। गो फॉर इट, प्लीज गो फॉर इट। हमने उतना खाना वाना खा लिया लेकिन मुद्दे की बात तो रह गई जिसको हम स्टार्टिंग में हम बात कर रहे थे कि आज एक्सप्लोर करेंगे कि सार्डो होता क्या है। अब आपसे क्वेश्चन टू यू, व्हाट इज अ सार्डो ब्रेड? अ सार्डो इज हैज अ नेचुरल लीविंग एजेंट, नेचुरल राइजिंग एजेंट। सो यू डोंट यूज कमर्शियल यीस्ट? नो। ओके, व्हेयर एज अदर ब्रेड्स हैव यीस्ट। यीस्ट, ओके। सो व्हाट हैपेंस इज यू हैव अ स्टार्टर वेयर यू हैव वाटर एंड फ्लावर एंड देन यू लेट दैट काइंड ऑफ with okay. natural bacteria. Okay. Oh. Yes. Which is good bacteria. Which is good bacteria. All right. So that bacteria you keep feeding that. Okay. And that you use as the starter for this bread. Okay. And I've also heard that as compared to normal bread, this has got a mix of vitamins, minerals. Yes. Is it true? Yes. Okay. That's because when you add yeast, yeast is a product that is not naturally made. Okay. Exactly. Whereas with this, these are very, very good for your gut because it's a natural bacteria. It's natural fermentation. So a natural house loaf, the house loaf that we have is a 45% wheat mix, whereas this one has spinach and then you can see the cheddar here, the cheese. Just because the process, fermentation process is involved, correct? इसमें हल्की-हल्की वो खटास भी है. Yes. So दोस्तों, I think जो sourdough, हमारे sourdough की mystery थी अब तक सबको पता चल गया होगा. सार्डो क्या होता है, एक नॉर्मल ब्रेड और सार्डो ब्रेड में क्या फर्क होता है, पता चला? अगर पता चल गया, sourdough is actually good for you. Okay. Because when you eat sourdough, the gut can digest the bread. Whereas normal bread, because of the yeast, the gut can't digest it. Which is why some people can't eat bread. So दोस्तों, ultimately सारा जो खेल है ना गट का ही है. Yes. You understand? Yeah. So इस करके काफी लोगों को जो होता है कि यार ब्रेड नहीं खानी, ब्रेड खाने से ये होता है, मैदा होता है, ये होता है. बट आप सार्डो ब्रेड खा सकते हैं, गट फ्रेंडली है, राइट? Yes. So दोस्तों, अगर आप पता चल गया हो सार्डो ब्रेड के बारे में तो कमेंट सेक्शन में लिख के जरूर बताइएगा. ऑलराइट? दोस्तों, जब भी मैसूरू में आए और गोकुलम में जरूर आइएगा क्योंकि यहाँ पे है आपका सापा सार्डो एंड पेस्ट्री. वेल दोस्तों, बहुत मजा आया मुझे तो पर्सनली, और आपको भी. अगर अच्छी कॉफी, अच्छी बेकरी आइटम्स, अच्छी पेस्ट्रीज खानी है, अच्छे हॉट सेवरीज खानी है तो प्लीज मस्ट ट्राई है ये जगह गोकुलम में, सापा सार्डो एंड पेस्ट्री. ऑलराइट, तो दोस्तों ये एपिसोड अब हम यही समाप्त करते हैं, विराम लगाते हैं. लेकिन जाने से पहले धन्यवाद करना चाहेंगे रिया जी आपका. थैंक यू, इट वॉज लवली. थैंक यू सो मच. हमने इनको बहुत तकलीफ दी, तंग किया क्योंकि इतना रश था, इतना क्राउड था, फिर भी इन्होंने हमें शूट करने दिया ताकि हम आप तक इसका मजा और जायका लेके आ सके. रिया थैंक यू. लेकिन जाने से पहले एक अपील कर दीजिए हमारे व्यूअर्स से, प्लीज लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब टू मैजेस्टिक मोमेंट्स. ऑलराइट, थैंक यू सो मच, गॉड ब्लेस यू, लॉट्स ऑफ लव. थैंक यू, थैंक यू, सी यू इन माय शो.
Patina, what are you doing here? I'm visiting friends. Okay, and what is this painting? This is an abstract painting inspired by the Kurma trees in Bangalore. Enjoy your time here and thank you, Patina. Thank you, thank you, thank you. So we would love to cover your place and also your inputs and how it all started. Nice to meet you. Have a good day. Please enjoy. Yeah.